नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें, सेव वाटर। शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी ने सांसद को अवगत कराया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सांसद ने जल निगम के अधिकारी को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन शहर में चल रहे कार्यों में कोशिश की जाए कि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो, तथा अधिकारी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करते रहें। बैठक में सांसद ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय रहते पहुंच सके। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी जन प्रतिनिधिगण को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत दिल्ली रोड स्थित टीएमयू को नामित किया गया है, जिससे गरीबों को उपचार हेतु सहायता मिल सकेगी। उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ मुरादाबाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा। जिला प्रमुख शिवसेना डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा के मुताबिक जिला मुरादाबाद में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से आदेश है कि शहरों में 24 घंटे और देहात में 18 घंटे बिजली की व्यवस्था सुचारू की जाए। मौसम शिद्दत गर्मी का है, ऐसे में बिजली कटौती को लेकर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि बिजली के तार जर्जर हैं और ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ने की वजह से वे खराब हो रहे हैं। ऐसे में शिवसेना मांग करती है कि मुरादाबाद में बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाए, ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर युवा कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव आज मुरादाबाद पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र में भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। आगामी 10, 11 व 12 जुलाई को बेंगलुरु में बेहतर भारत की बुनियाद आयोजित किया जा रहा है। ओमवीर यादव ने कहा कि बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को बताया जाएगा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। कार्यक्रम का जो बेहतर भारत की बुनियाद का जो IYC ने चलाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने, इसका कार्यक्रम को लेकर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम रखा गया 11-12 जुलाई को। 10, 11, 12 तीन दिन का कार्यक्रम है, सम्मेलन है युवाओं को वहाँ पे। 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के लगभग युवा वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे युवाओं का एक शिविर लगाया जा रहा है, जो प्रशिक्षण दिया गया 2024 के लिए और 24 के लिए विचारधारा के बारे में, और जो 9 साल BJP की सरकार रही इसमें क्या 9 साल में उन्होंने किया है, इन सबको लेकर एक शिविर बेंगलोर में लगाया जा रहा। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा की गई तथा बूथ स्तर पर जिम्मेदारी भी दी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष DP यादव ने की। बैठक में सुनीता सिंह, मुमताज हुसैन, जयवीर सिंह यादव, शाहिद अली, यासीन एडवोकेट, मोहम्मद इब्राहिम आदि लोग मौजूद रहे। थाना सिविल लाइन्स इलाके के चक्कर की मिलक में बेरहमी से छोटे भाई की हत्या करने वाले एक आरोपी शादाब को पुलिस ने हत्या के आरोप में चालान काटने के बाद जेल भेज दिया है। मृतक फाकिर के साले की ओर से तीन भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मुरादाबाद में आज सुबह से ही मौसम ने अपने मिजाज को बदल लिया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से जहां आमजन का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं आसमान पर भी काली घटाओं का पहरा है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को जहां राहत मिली, तो वहीं यह बारिश अन्य फसलों के साथ ही आम की फसल के लिए भी मुफीद है। मौसम खुशगवार होने से पारा 42 डिग्री से घटकर अब 32 डिग्री तक आ गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून के लिए 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। शनिवार को मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गुणवत्ता पूर्वक संचालन, विधि विधव नवाचार पर चर्चा परिचर्चा तथा KGBV में कार्य जाने वाले आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा के दूसरे दिन सभी निर्यातकों ने वर्ष 2030 तक निर्यात 3 गुना करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रदूषण विभाग पर निशाना साधते हुए कहा गया कि प्रदूषण विभाग ने निर्यातकों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। बैठक में सभी निर्यात एसोसिएशन से आह्वान किया गया कि सभी एक साथ एकत्र होकर प्रदूषण विभाग के विरुद्ध आंदोलन करें।
मुरादाबाद निवासी एक तस्कर को राजस्व खुफिया निदेशालय की गोरखपुर इकाई ने विदेशी ब्रांड की 1 करोड़ कीमत की सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। DRI टीम को सूचना मिली थी कि असम से बड़ी मात्रा में सिगरेट की तस्करी हो रही है। गोपनीय सूचना पर टीम ने जांच की। माड़ापार में एक संदिग्ध ट्रक की जांच की गई और छिपा कर रखे गए विदेशी ब्रांड के सिगरेट को बरामद किया, जिसमें चाइनीज ब्रांड विन, इंडोनेशिया ब्रांड ब्लैक और कोरियन ब्लैक एसेलाइट बड़ी मात्रा में बरामद की गई। बरामद 8 लाख पीस सिगरेट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। शनिवार को बार एसोसिएशन के सभागार में ठाकुर द्वारा बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला जज अजय कुमार ने कहा कि बार और बेंच में बेहतर तालमेल और सामंजस्य होने से वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में आसानी रहती है। उन्होंने बार सभागार में केवल एक महिला अधिवक्ता रीमा खान को देखते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि महिलाएं भी वकालत के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिला अधिवक्ताओं को गरीब महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। मौके पर TGM मानवेंद्र सिंह, अपर जिला अध्यक्ष पुनीत कुमार, सरोज यादव, सिविल जज अशोक कुमार कसौधन, अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रमोद कुमार, महासचिव शमीम कुरैशी, अनुज कुमार सक्सेना, सफदर अली खान, हीरालाल अग्रवाल, अशोक कुमार गहलोत, रीमा खान, नसीब खान, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामवीर सिंह, मुनव्वर अली सिद्दीकी और ब्रजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।